एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुबाब मैन के, जहाँ पे जो है आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो रुबाब पे सीख सकते हैं। और आज का लेसन एक इंतहाई खूबसूरत ट्रेडिशनल सॉन्ग है कि जो यूजली शादियों पे बहुत प्ले होता है। सो और वो रुबाब पे बहुत ईजी है प्ले करना और बहुत खूबसूरत भी लगता है। एंड ट्रस्ट मी कि आप इसे बहुत लोगों में इम्प्रेस कर लोगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, ये सॉन्ग प्ले करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपका जो रुबाब है वो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे है, जो कि सी शार्प, एफ शार्प, बी। फाइन, जब ये ट्यून हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले जो बेसिक मेलोडी है वो आप सुन लें कि जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपने जो स्टार्टिंग में सुना है वो दैट वाज अ बिट काइंड ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, जिसके अंदर डबल स्ट्रोक्स ज़्यादा थे। सो लेकिन अभी के लिए मैं आपको बहुत सिंपल जो मेलोडी है वो सिखाऊंगा, तो पहले वो सुन लें। अच्छा, अब इस तरह से आपने प्ले करना है कि जो तीसरी स्ट्रिंग है ओपन, सेकंड ओपन, फोर्थ सेकंड ओपन। तो पहला क्या पार्ट होगा, ठीक है, इसे दोबारा से रिपीट करना है। उसके बाद अब ये किस तरह से सेम वही जो सेकंड और फोर्थ फ्रेट है वो भी ऊपर जो दूसरी स्ट्रिंग है वहाँ पे भी सेम यही फ्रेट्स आएंगे। सेकंड से आए, फोर्थ, सेकंड, ओपन। फाइन, सो दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा, फाइन। उसके बाद सेकंड फ्रेट जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग पे, उसके बाद ओपन, सेकेंड फ्रेट ओपन, थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या होगा, फाइन। उससे जो है कि नाम है आपने दो दफा रिपीट करना। उसके बाद अगेन द सेम थिंग, फाइन। अब एक बार सारी को मैं कंबाइन करता हूं। फाइन, और ये जो है दो दफा रिपीट होता है। ठीक, इसके बाद जो है, ठीक, जो इसका मेन वो कह लो अंतरा कह लो सॉर्ट ऑफ जो है वो किस तरह से, फाइन। अब वो किस तरह से होगा, ओपन जो थर्ड स्ट्रिंग है, सेकंड फ्रेट, अगेन सेकंड, फोर्थ, ठीक। यहां पे आपने ब्रेक लेनी है, फाइन। उसके बाद फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, सेकंड, ओपन, ठीक है। सो अब क्या होगा, ठीक है, जो आपने क्योंकि ये गाना यहाँ पे हर किसी ने ही सुना हुआ है, सो इसे उसी हिसाब से प्ले करना है। अगेन वही लट्ठे दी चाल, ठीक। अच्छा, अब ये जो है कि ना मैं पूरा सॉन्ग जो है वो एक मैं फ्लो में प्ले करता हूँ। नीचे नोट्स आ रहे हैं, बेसिक नोट्स आ रहे हैं, बट मैं जो इसे इम्प्रोवाइज करके प्ले करूँगा, बिकॉज आई लव दिस मेलोडी, सो मैं इसके साथ खेलता हूँ हमेशा। सो आई एम गोना प्ले इट। Thank you.
So this is how to play Lathe Di Chadar, how to practice it. I hope aapko samajh aa gayi hai ki aapne Lathe Di Chadar. आई होप आपको समझ आ गई कि आपने लठे दी चादर कैसे इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. आई होप आपको समझ आ गई कि आपने ये सॉन्ग जो है ये रुबाब पे कैसे प्ले करना. नाउ डू प्रैक्टिस इट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन है उसको जरूर क्लिक करना ताकि जो मेरे फ्यूचर अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाए. सो अंटिल देन की प्रैक्टिसिंग. हैव अ नाइस डे. गुड बाय एवरीवन.